सो व्हाट्सअप गाइज, आज के इस वाले वीडियो के अंदर मैं आप लोग को कुछ इस टाइप का फोटो एडिटिंग सिखाने वाला हूँ। जैसा कि दोस्तों आप लोग यहाँ पे स्क्रीन पर देख सकते हैं, तो दोस्तों इस वाले वीडियो के अंदर बहुत ही आसान तरीके से आप लोग को कुछ इस टाइप का फोटो एडिटिंग सिखाया जाएगा। अगर आप लोग कंप्लीट वीडियो को वॉच कर लेंगे तो आप लोग कुछ इस टाइप का फोटो एडिटिंग करना सीख जाएंगे। तो चलिए दोस्तों हम लोग वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, जिस फोटो को भी एडिट करना होगा उस फोटो को सबसे पहले स्नैपसीड एप्लीकेशन में ओपन कर लेना है, ठीक है। और ओपन करने बाद सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर नीचे टूल्स पर क्लिक कर देना होगा। और उस पर क्लिक कर देने बाद आप लोग को यहाँ पे आ जाना है और ड्रामा वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे आ जाना है और ब्राइट वाले ऑप्शन पे यानी कि ब्राइट वन पे क्लिक कर देना होगा। और इसका हम लोग फिल्टर स्ट्रेंथ लगभग 50 के करीब रख लेंगे, ठीक है। और इसके बाद इसको यहाँ से सेव कर लेना है, तो सेव कर लेते हैं। और सेव करने के बाद दोस्तों क्या करना है, ऊपर उस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, उसके बाद व्यू एडिट पे क्लिक कर देना होगा। और इसके बाद नीचे यहाँ पे ड्रामा वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है और उसके बाद ब्रश वाले ऑप्शन पे, ठीक है। और ब्रश पे क्लिक करने के बाद क्या करना है, इसको हम लोग 100 पे रख लेंगे। और इसके बाद क्या करना है, यहाँ से कुछ इस तरीके से इसको स्किन पे यानी कि फेस पर इसको अप्लाई करना है। ओनली स्किन पे ही इसको अप्लाई करिएगा, जिससे हम लोग का स्किन कुछ इस तरीके से वाइट हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद क्या करना है, यहाँ से इसको सेव कर लेना है। तो सेव करने बाद दोस्तों क्या करना होगा, फिर से यहाँ पे आ जाना है और नीचे टूल्स पर क्लिक कर देना है, ठीक है। और इस पर क्लिक करने पर यहाँ पे आ जाना है और डबल एक्सपोजर पे क्लिक कर देना है, ठीक है। और इस पर क्लिक करने पर नीचे प्लस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना होगा। और इसके बाद क्या करना है, यहाँ से हम लोग को इधर आ जाना है और इस PNG को हम लोग को ऐड कर लेना होगा। और ऐड करने बाद बीच वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है और इसके बाद इसको डार्केन पे रख लेना है, यहाँ पे डार्केन पे रख लेना है। और कुछ इस तरीके से राइट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके इसको सेव कर लेना है। तो सेव करने बाद ऊपर उस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, उसके बाद व्यू एडिट पे, और व्यू एडिट पर क्लिक करने बाद नीचे डबल एक्सपोजर पे क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों ब्रश वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना होगा। और इसके बाद क्या करना है, इसको हम लोग को 100 पे रख लेना होगा और कुछ इस तरीके से एक साइड वाले शॉट पे इसको अप्लाई करना है। कुछ इस तरीके से इसके किनारे किनारे आप लोगों को अप्लाई करना होगा, तो मैं फटाफट से अप्लाई कर लेता हूँ, ठीक है। तो इसके बाद क्या करना है, यहाँ से इसको सेव कर लेना होगा। तो सेव कर लेने बाद दोस्तों क्या करना है, फिर से यहाँ पे आ जाना है और हम लोग को फिर से यहाँ पे नीचे टूल्स वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना होगा, ठीक है। और टूल्स पे क्लिक करने बाद फिर से इधर डबल एक्सपोजर पे क्लिक कर देना है और उसके बाद नीचे प्लस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना होगा। और इस पर क्लिक करने बाद फिर से हम लोग को एक PNG को ऐड कर लेना होगा, इसका लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ऐड करने बाद बीच वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है और इसके बाद क्या करना है, इसको डार्केन पे भी रख लेना है, ठीक है, डार्केन पे रख लेना है। और यहाँ से इसको सेव कर लेना होगा। तो सेव करने बाद दोस्तों फिर से क्या करना है, ऊपर उस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना होगा, इस पर क्लिक कर देना है, ठीक है। और इस पर क्लिक करने बाद बी एडिट पर क्लिक कर देना होगा और बी एडिट पर क्लिक करने बाद नीचे यहाँ पर डबल एक्सपोजर पर क्लिक कर देना है और उसके बाद ब्रश वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, ठीक है। और इसको क्या करना है, 100 पर रख लेना है और 100 पे रखने को कुछ इस तरीके से इस किनारे वाले शॉट को अप्लाई कर लेना है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से शॉट का कलर भी चेंज हो जाएगा, बहुत ही आसान तरीका है। तो दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। और यहाँ से इसको भी सेव कर लेना है। तो सेव कर लेने के बाद दोस्तों क्या करना होगा, फिर से यहाँ पर हम लोग को नीचे टूल्स वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है और उस पर क्लिक करने फिर से डबल एक्सपोजर पर क्लिक कर देना होगा। और यहाँ से नीचे प्लस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है और इस पर क्लिक करने बाद एक बैकग्राउंड को ऐड कर लेना है। और इसको ऐड करने बाद थर्ड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है यहाँ पे, और इसका ऑपेसिटी हम लोग फुल कर लेंगे। और यहाँ से इसको राइट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके इसको सेव कर लेना है। तो सेव करने बाद ऊपर उस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा, उसके बाद भी एडिट पर क्लिक कर देना है और भी एडिट पर क्लिक करने बाद नीचे डबल एक्सपोजर पर क्लिक कर देना है, ठीक है। और इसके बाद दोस्तों ब्रश वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना होगा और ब्रश पे क्लिक करने बाद इसको 100 पे रख लेना है। और 100 पे रखने बाद क्या करना है, कुछ इस तरीके से इसके किनारे किनारे बैकग्राउंड को रिमूव करना है, ठीक है। और रिमूव करने बाद अगर दोस्तों और आप लोग को शॉर्ट पे कुछ इस तरीके से ड्रॉ हो जाता है
इसको रिमूव करने के लिए यहाँ से इसको जीरो कर लेना है, ठीक है। 100 है तो इसको जीरो कर लेना है और कुछ इस तरीके से इसको रिमूव कर देना है, ठीक है। और इसके बाद फिर से हम लोग इसको 100 पे रख लेंगे और 100 पे रख लेने बाद कुछ इस तरीके से इसके किनारे किनारे कुछ इस तरीके से ड्रॉ करके बैकग्राउंड को चेंज कर लेना है, ठीक है। तो मैं फटाफट से बैकग्राउंड को चेंज कर लेता हूँ, ठीक है। इसके बाद दोस्तों यहाँ से इसको सेव कर लेना होगा, तो सेव कर लेते हैं। और सेव करने बाद फिर से यहाँ पे नीचे टूल्स पर क्लिक कर देना होगा और इसके बाद यहाँ पे आ जाना है और ब्रश पर क्लिक कर देना होगा। और ब्रश पर क्लिक करने बाद यहाँ से सेकंड नंबर वाले ब्रश को ले लेना है और इसको हम लोग 0.7 है तो 0.3 पे रख लेना है, ठीक है। और कुछ इस तरीके से जूम करके जहाँ भी ब्लैक है वहाँ पर कुछ इस तरीके से इसको ड्रॉ करना है, तो जिससे हम लोग का हल्का सा शाइनिंग आ जाएगा फेस में और स्किन पे इसको ही अप्लाई करना है, ठीक है। तो यहाँ से मैं अप्लाई कर लेता हूँ और इसके बाद फिर से क्या करना है, नीचे ब्रश पर क्लिक कर देना है और यहाँ पे चौथे नंबर वाले ब्रश को सिलेक्ट कर लेना है और इसको हम लोग 10 पे रख लेंगे और कुछ इस तरीके से इसको शॉर्ट पे यानी कि बैकग्राउंड में भी अप्लाई करना है, जिससे हम लोग को शॉर्ट या बैकग्राउंड में हल्का सा चमक आ जाएगा और फोटो में शाइनिंग काफ़ी अच्छे तरीके से आ जाएगी, ठीक है। और लिप पर भी इसको अप्लाई कर लेना है और इसके बाद इसको हम लोग यहाँ से आफ्टर बिफोर करके देख सकते हैं। तो इसके बाद क्या करना है, यहाँ से इसको सेव कर लेना होगा। तो सेव कर लेने बाद फिर से यहाँ पे आ जाना है और नीचे हम लोग को फिर से यहाँ पे डबल एक्सपोजर पे क्लिक कर देना है और यहाँ से क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे पोर्ट्रेट पर क्लिक कर देना होगा और इस पर क्लिक कर देने बाद यहाँ पर स्मूथ टू वाले ऑप्शन पर इसको रख लेना होगा और सबसे पहले फेस स्पॉटलाइट को बढ़ा लेंगे 20 के आसपास और इसका आई क्लियरिटी 0 रहेगा, ठीक है। और यहाँ से इसको सेव कर लेना है। तो सेव करने पर दोस्तों क्या करना है, फिर से यहाँ पे नीचे टूल्स वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना होगा और इस पर क्लिक कर देने बाद यहाँ से क्या करना है, सबसे पहले सिलेक्टिव को ले लेना है और सिलेक्टिव को लेने बाद जहाँ भी ब्लैक निशान है वहाँ पर रख लेना है और सबसे पहले इसका सेचुरेशन को कम कर लेना है और ब्राइटनेस को इनक्रीज कर लेना है, ठीक है। फिर से वही प्रोसेस नीचे प्लस वाले ऑप्शन पे क्लिक करके इसको हैंड पे रख लेंगे हम लोग और वही प्रोसेस करना है, सेचुरेशन को कम और ब्राइटनेस को इनक्रीज, ठीक है। और यहाँ से इसको सेव कर लेना है। तो सेव करने बाद दोस्तों क्या करना है, इसको यहाँ से डन कर लेना होगा। तो मैं डन कर लेता हूँ और डन करने बाद दोस्तों इस फोटो को हम लोग यहाँ से शेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक करके इसको हम लोग शेयर कर लेंगे पिक्सआर्ट एप्लीकेशन में, ठीक है। और पिक्सआर्ट में ओपन करने बाद सबसे पहले क्या करना है, इधर आ जाना है और नीचे यहाँ पे ऐड फोटो वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना होगा और ऐड फोटो पे क्लिक करने बाद सबसे पहले हम लोग को इधर आ जाना है और इसको कुछ इस तरीके से हेयर पीएनजी को ऐड कर लेना है और ऐड करने बाद कुछ इस तरीके से हेयर पे इसको एडजस्ट कर लेना है, ठीक है। तो मैं कुछ इस तरीके से एडजस्ट कर लेता हूँ और एडजस्ट करने बाद क्या करना है, इसको राइट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके इसको सेव कर लेना होगा। तो सेव करने बाद दोस्तों सिंपल सा क्या करना है, आप लोग को इधर आ जाना होगा और नीचे यहाँ पे आप लोग को बहुत सारा ऑप्शन है, तो नीचे टूल्स पर क्लिक कर देना है और यहाँ से एडजस्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है और उसके बाद आप लोग को सबसे पहले यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट पे क्लिक कर देना होगा। इसको हम लोग 10 पे रख लेंगे, ठीक है, 10 के आसपास ही रख लेना है। उसके बाद क्लियरिटी पे भी क्लिक कर देना है और इसको भी हम लोग 10 के आसपास ही रखेंगे, ठीक है, 10 के करीब रख लेना है। और इसके बाद सेचुरेशन पे क्लिक कर देना है, इसको भी हम लोग 10 के करीब ही रख लेंगे, ठीक है। और इसके बाद क्या करना है, यहाँ से इसको सेव कर लेना होगा। तो सेव करने बाद दोस्तों क्या करना है, इधर आ जाना है और यहाँ से पेंसिल वाले आइकन पे क्लिक करके यानी कि ड्रॉ पे क्लिक करके इसको हम लोग सेव कर लेते हैं, ठीक है।